हेलो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुड आईडी में नेम सर्वर कैसे चेंज करते हैं। पहले हम जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे गुड आईडी अकाउंट अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम गुड आईडी पे जाएंगे, godaddy.com। इसके बाद यहाँ पे आ रहा साइन इन, हम क्लिक करेंगे साइन इन पे। यहाँ पे अब हमारा यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट करेंगे। जो हमारा यूजर नेम और पासवर्ड होगा, इसी तरह हम अपना पासवर्ड भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हम क्लिक करेंगे साइन इन पे। हमारा गोल्ड आईडी अकाउंट लॉगिन हो गया है। यहाँ पे हमारा नाम दे रहा कि हमारा जो नेम क्या है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी या कस्टमर आईडी है। यहाँ पे अगर क्लिक करके हमें पिन देखना है तो यहाँ पे पिन देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है आपका डोमेन नेम क्या है। आप क्लिक करेंगे डोमेन पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक पेज ओपन होगा, जिससे आपका डोमेन का जो कोई भी ऑप्शन है सारा यहाँ पे शो करेगा। डोमेन नेम क्या है, उसकी एक्सपायरी क्या है, सारा डिटेल डोमेन का जो है यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका जो कंटेंट इन्फॉर्मेशन है वो शो करेगा। यहाँ पे हुज प्राइवेसी शो करेगा। सेटिंग आपको आना है एडिशनल सेटिंग में। इसके बाद यहाँ पे आपका लिखा है मैनेज DNS, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगा, उस पर लिखा होगा DNS मैनेजमेंट और आपकी वेबसाइट का नाम दिया होगा जो आपकी वेबसाइट होगा। इसके बाद लिखा है DNS रिकॉर्ड, इससे नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे लिखा है नेम सर्वर यूजिंग कस्टम नेम सर्वर चेंज। आप चेंज बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ गया एडिट नेम सर्वर। इसके बाद आप यहाँ पे लिखा है इंटर माई ओन नेम सर्वर एडवांस और इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके यहाँ जो नेम सर्वर ऑलरेडी इसमें पड़ा होगा यहाँ पे शो करेगा। आपको अगर डिलीट करना है आप यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड नेम सर्वर और यहाँ पे अपने नेम सर्वर का नाम डालेंगे, जो भी आपका नेम सर्वर होगा, और यहाँ पे सेव ऑप्शन है, सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद एक ऑप्शन आएगा कि ई प्लैनेट कंप्यूटर आप नेम सर्वर अपडेट करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि नेम चेंजिंग नेम सर्वर इज रिस्की एंड कुड पोटेंशियल लीड टू योर वेबसाइट डिस अपेयरिंग पब्लिक व्यू। अगर आपका नेम सर्वर गलत होगा तो ये कह रहा कि आपकी वेबसाइट कहीं और शो नहीं करेगा, तो अपना नेम सर्वर थोड़ा ध्यान से भरें, उसके बाद यस पर क्लिक कर दें, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। क्लिक करते हैं आपका नेम सर्वर अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा कि आपका जो वेबसाइट है उसका नेम सर्वर चेंज हो चुका है, ये 48 आवर बाद अपडेट हो जाएगा ग्लोबली। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। यहाँ से अपना अकाउंट लॉग आउट कर देंगे।